आज के वीडियो में हम जानेंगे गिट और गिट हब के बारे में। यदि आप अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं और सीएस डिपार्टमेंट में लिए हैं आपने, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। हम आज जानते हैं गिट और गिट हब के बारे में। गिट को हम थोड़ी देर में समझेंगे। गिट और गिट हब दोनों देख लो आप, अलग अलग चीज है, एक समझने का भूल आप नहीं करोगे। तो गिट अलग चीज है, गिट हब अलग चीज है। हम पहले समझते हैं गिट हब के बारे में। तो जैसे आप अपना कोई भी फोटो वीडियो कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है तो आप डालते हैं कहाँ, गूगल ड्राइव में। गूगल के पास जाता है अमेरिका, गूगल ड्राइव में आप अपलोड करके रख लेते हैं और आप सोचते हैं कि हमारा सेफ है। ठीक उसी तरह से यदि आपको सोर्स कोड रखना है आपको गूगल ड्राइव पे, तो उसके लिए गूगल ड्राइव उपयुक्त नहीं होता है। तो उसके लिए कौन सा उपयुक्त है, तो उसके लिए इन्वेंशन किया गया गिट और गिट हब का। आपको सोर्स कोड क्लाउड पे रखना है तो आप गिट हब पे रख सकते हैं। जिस तरह से गूगल ड्राइव है उसी तरह से सोर्स कोड को स्टोर करने के लिए गिट हब बनाया गया है। अब बात आता है कि हम गूगल ड्राइव पे ही सोर्स कोड रख लें तो कोई समस्या है? समस्या कुछ नहीं है इसमें, लेकिन कोड सोर्स कोड को मैनेज करना काफी टफ टास्क हो जाएगा गूगल ड्राइव में, इसलिए हम गिट हब पे अपलोड करते हैं। अब बात आता है कि गिट क्या कहलाता है। तो आप जो है डॉस यूज किया होंगे आपने। डॉस मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब कमांड प्रॉम्प्ट, जिसमें कि एमडी कमांड मारा और फोल्डर बन के रेडी हो गया। उसमें कोई यूजर इंटरफेस तो दिखाई नहीं देता, बस सीएलआई होता है, कमांड से चलता है पूरा। तो गिट जो है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, एक टूल है सिर्फ, जो कि कमांड के अकॉर्डिंग चलता है। आप गिट सॉफ्टवेयर पे ऐसे कमांड आपने टाइप किया और फिर उससे गिट हब जो है ऑपरेट होगा। तो गिट एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिससे हम गिट हब को ऑपरेट करते हैं। इतना तक बात क्लियर है? इतना तक समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं। देखिए अब फायदे क्या क्या हैं गिट हब के। तो मान लीजिए आप अपने कंप्यूटर में सोर्स कोड रखे हैं, आपने पता चला सुबह जैसे हुआ वो कंप्यूटर चालू ही नहीं हो रहा है, हार्ड डिस्क खराब हो गया है। जब हार्ड डिस्क ही खराब हो गया तो आपका सोर्स कोड तो गया, तो इसलिए क्लाउड पे आप रखोगे तो सुरक्षित रहेगा। दूसरा, मल्टीपल डेवलपर्स, आप हैं, आपका दोस्त है, आपका दोस्त का दोस्त है, मतलब कई सारे लोग मिल करके कोड शेयर करना है तो आप गिट हब पे अपलोड करके शेयर कर सकते हैं कोड, तो यहाँ पे हो जाएगा। दूसरा चीज इसमें क्या है कि इसे बहुत बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है, तो बड़े प्रोजेक्ट को यदि आपको होस्ट करना है तो होस्ट करने के लिए थोड़ा टफ टास्क हो जाता है एफटीपी के माध्यम से अपलोड करना। तो आप एफटीपी च्वाइस ना करें, इससे बेहतर क्या है, आप अपने बड़े प्रोजेक्ट को पहले गिटहब पे अपलोड करें, फिर गिटहब पे कहाँ अपलोड करें, होस्टिंग सर्वर में अपलोड हो जाएगा। लेकिन होस्टिंग सर्वर में आपको नहीं अपलोड करना है, आपको सिर्फ गिटहब पे अपलोड करना है। गिटहब जो है होस्टिंग सर्वर पे खुद अपलोड कर देगा। तो कई सारे बेनिफिट है। इस वीडियो में मैं सारा बेनिफिट बताऊं तो ये उतना अंडरस्टैंडेबल नहीं रह जाएगा। तो बस एक बेनिफिट आप याद रख लो, कोड को शेयर कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं, कोड को होस्ट कर सकते हैं, ये सारे बेनिफिट गिटहब के हैं। अब एक और बेनिफिट मैं बता दूं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे जितने भी सीएस वाले हैं सबको एक दिन, एक न एक दिन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जा करके जॉब लेना है, लेकिन जॉब लेने से पहले आपको इंटरव्यू तो देना पड़ेगा। तो आधे घंटे या एक घंटे के इंटरव्यू, एक घंटे के इंटरव्यू में इंटरव्यूअर आपको जज करने की कोशिश करता है। अब पता नहीं आप कितना शो ऑफ कर पाते हैं एक डेढ़ घंटे में। कुछ लोग हैं जो शो ऑफ कर ही नहीं पाते, कुछ लोग हैं इतना शो ऑफ कर देते हैं जितनी काबिलियत नहीं है। हमारी काबिलियत नहीं है लेकिन हमने शो ऑफ बहुत ज्यादा कर दिया, तो उसको बोला जाता है कि भैया बंदा लंबा लंबा फेंक रहा है। तो फेंकने से भी बचना है, लेकिन ऐसा भी ना हो कि हमारी जो काबिलियत है हम वो शो ऑफ नहीं कर पाए। तो शो ऑफ करने के लिए भी एक माध्यम होता है गिट हब। आपको क्या करना है, आप भले ही हेलो का प्रोग्राम आपने पहला दिन सी का बनाया, उस प्रोग्राम को भी आपको अपलोड करना है गिट हब में कि देखो हमने शुरुआत यहाँ से किया है। तो गिट हब का एक खासियत है कि आप जब जब गिट हब पे कोड अपलोड करेंगे तो आपका एक प्रोग्रेस बार बनता रहता है, डॉट 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 करके प्रोग्रेस बार बनता रहता है। तो मान लीजिए आप कॉलेज में 4 सेमेस्टर, 4 साल का आपका बीटेक है, या 2 3 साल का बीसीए है, 2 साल का एमसीए है, इस तरह का यदि है, तो 2 साल से आपने कोडिंग करा ना, तो 2 साल तक, 3 साल तक यदि आप गिटहब पे अपलोड करते रहेंगे तो गिटहब पे प्रोग्रेस बार बनता रहेगा। हाँ, बंदे ने 3 साल से कोड किया है तो इंटरव्यूअर को दिखाई देगा वो। अब आप कहेंगे हमारे गिटहब के बारे में इंटरव्यूअर को कैसे पता? देखो आप जब रिज्यूम बनाओगे तो अपना गिटहब का प्रोफाइल रिज्यूम में मेंशन करोगे, और जैसे ही उसमें मेंशन करोगे तो इंटरव्यूअर आपके गिटहब प्रोफाइल पे जाएगा। तो जितना आपने सोर्स कोड गिटहब पे अपलोड किया वो सारा गिटहब का सोर्स कोड उसको दिखाई देगा, उसको प्रोग्रेस बार दिखाई देगा कि ये स्टूडेंट ने पहले दिन का हेलो वर्ल्ड के प्रोग्राम से आज तक 2 3 साल 4 साल में इतना ज्यादा प्रोग्राम करना है।
एक तरीका है कि गिटहब जो है आपको शो ऑफ करने में मदद करता है इंटरव्यूअर को। अब इंटरव्यूअर को आपका प्रोफाइल अच्छा पसंद आया, आपका प्रोग्राम पसंद आया, इंटरव्यूअर को लगा कि आपने काफी अच्छा खासा मेहनत किया है अपने कॉलेज टाइम में, तो आपको हायर करके रख लेगा। तो ये सारे बेनिफिट गिटहब के हैं। अब गिटहब पे कैसे अपलोड करना है, कैसे डिलीट करना है, कैसे गिटहब से सोर्स को डाउनलोड करना है, क्या क्या सारे टेक्निकल चीजें हम स्टेप बाय स्टेप कई सारे वीडियो में पढ़ते रहेंगे। इंतजार करिए अगले एपिसोड का।